तो चलिए शुरू करते हैं आज का मोटो ब्लॉग। और बहुत दिन से मोटो ब्लॉग आया भी नहीं थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मोटो ब्लॉग डाला जाए, क्योंकि जब मैं मोटो ब्लॉग डालता हूँ उस पर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, और जब मैं कहीं घूमने जाता हूँ उस पर कम व्यूज़ आते हैं। आई थिंक कि मेरी जो ऑडियंस है वो मोटो ब्लॉग से ज़्यादा रिलेट हो पाती है, इसीलिए कुछ ऐसा रीज़न है। तो अरे भैया 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 वेलकम ऑन माई चैनल। देखो ट्रैक्टर निकल आया, छोटी छोटी गलियों से ऐसे जो है ट्रैक्टर एकदम निकल आते हैं, और तब गाड़ी अगर स्पीड में हो तो ट्रैक्टर के इंजन में ही जीप चिपक जाके तुम्हारी मेरी मतलब किसी की भी जो भी चला रहा हो। तो अभी जो है मेरे गूगल एडसेंस में देख रहा था मेरे $80 कंप्लीट हो गए हैं। प्रोग्रेस वाकई में बहुत ही स्लो है, मतलब ये कहते हैं ना कछुए की चाल, तो वही चल रही है कछुए की चाल। इतनी स्लो प्रोग्रेस शायद ही किसी के यूट्यूबर ने करी होगी जितना कि मैं कर रहा हूँ, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरा चैनल क्यों नहीं ग्रो कर रहा है, क्या रीज़न है उसके। कंटेंट भी अच्छा है, 250 प्लस वीडियोस भी हो चुकी हैं, बट आई डोंट नो क्या रीज़न है। तो $80 और $20 और बढ़ जाएंगे तो मेरे पे आ जाएंगे भाई पूरे के पूरे $100। थाम वा। लेकिन ऐसा है ना कि जो मेरा यूट्यूब पे वर्क है वो कंसिस्टेंट ही चल रहा है, बस थोड़ा ग्रो हो जाता तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। भाई लोग तुम लोग वीडियो देख के निकल जाते हो, शेयर नहीं करते हो, शेयर करो वीडियो। और अपने छोटे से शहर फरखाबाद से भी एक यूट्यूबर निकालो। वैसे मैंने कोई भी वीडियो पे आज तक यूट्यूब पे कोई बने गूगल ऐड होता है वो कभी नहीं लगाया है। जो भी व्यूअर हैं, मम्मी है पीछे खांसी की आवाज़ आ रही होगी, जो भी मेरे व्यूअर हैं सारे के सारे जेन्यून हैं, कभी भी मैंने इस पर कोई ऐड नहीं लगाया। शायद इसीलिए हो सकता है कि थोड़ा कमताई चल रही हो व्यूज़ में। भीड़ देखो भाई, सुबह का 11 बज रहा है अभी और हम जा रहे हैं पंडाबाद। फरखाबाद की रोडों का एक ही कहना है, बनारस की याद आती है, इतनी पतली रोड। ये देखो DM स्कॉट, DM का काफिला जा रहा था, DM SP और आगे गाड़ी थी DM स्कॉट। तो हाँ मैं क्या कह रहा था, धूप बहुत VIP निकली है आज। तो भाई तुम लोग शेयर करो यार, थोड़ा सपोर्ट तो दिखाओ अपने भाई को यार, थोड़ा आगे बढ़ाओ यूट्यूब में यार, जाओ कंटेंट देखो जाके मज़ा आ जाएगा वीडियो देख के। तो आज दिन है शनिवार और हम जा रहे हैं पंडा बाग। चलो आज मौसम देख रहे कितना खुला है, और ये OnePlus Nord में डायनेमिक रेंज कितनी अच्छी कैच होती है ना। तो चलते हैं जे वाली गली, मुड़ते हैं ये वाली गली में। तो यार उधर से बहुत जाम लगता है, उधर से कहाँ से चौक से, तो हम निकले आए पीछे से। यहाँ पे भी दुकानें बस खुली रही हैं, देख लो भाई फरखाबाद के माहौल। बहुत लोग कहते हैं आप फरखाबाद की वीडियो डालते हो अच्छा लगता है फरखाबाद, बहुत सालों से लोग नहीं आए हैं जो लोग बाहर नौकरी कर रहे हैं। तो भाई आपका भाई है ना, लेकिन तुम लोग शेयर नहीं करते हो यार, सबसे गंदी बात। ये देखो भाई मंदिर आ गया है, लेकिन ये मंदिर नहीं है, हम लोग को जाना है पंडाबाग। टर्न लेते हैं इधर वाला मस्त वाला, ये लो भाई साहब, ये जो सामने ब्लू कलर आ रहा है ना इसका एक, आई एम लविंग इट। जय हो बाबा की, ले डिजायर निकल। इस बार मैं सोच रहा हूँ कि ना GoPro Hero 7 ले लिया जाए, बिकॉज उससे मोटो व्लॉगिंग थोड़ी और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जिस पे व्यूज़ आएंगे भाई मैं वही कंटेंट अपलोड करूँगा। और मैंने एक नया चैनल बनाया है नेचुरल बीस्ट व्लॉग्स पे, उसका लिंक मैंने नीचे दे दिया, जाओ उस पर जो है वो करो जाके सब्सक्राइब, उसको तो कम से कम कर ही लो यार सब्सक्राइब। भाई यहाँ पे कभी आप आओ शाम के टाइम पे, फिर देखो जो पानी पूड़ी वाले होते हैं उनकी भीड़ देखो कितनी लाजवाब भीड़ लगती है। तो भाई ये लो हम आ गए पल्ला, पल्ला मम्मी और क्या कहते हैं इसको, अरे रेलवे रोड तो कहते ही, ये जो लोकेशन पड़ती है उसको कुछ और भी तो कहते हैं, मठिया देवी। हाँ पता, मोटो ब्लॉग करते करते हम नाम ही भूल जाते कि हम कहाँ आ गए। जय हो मैया की, जय हो मैया। तो ये हैं हमारी मठिया देवी जी की मंदिर। एक ऐसी रोड है जहाँ पे पार्किंग कोई व्यवस्था नहीं है, लोग बीच रोड पे अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं वही मंदिर के पास में। खैर रोडों का तो फरखाबाद में बहुत ही बुरा हाल है, इतनी पतली रोडें हैं यार। ये है पंडा बाग, शिवालय श्री पांडेश्वरनाथ, श्री गणेशाय नमः, शंकर जी का बहुत ही प्राचीन और बहुत ही विश्व प्रसिद्ध मंदिर है ये। वैसे बहुत भीड़ होती है यहाँ पे, लेकिन अभी जो है फ़िलहाल के लिए मंदिर का प्रांगण खाली पड़ा है। जय हो बाबा की। बताते चलें कि कहते हैं जब पांडव अज्ञातवास पे थे तो यहाँ पे आके उन्होंने शिवलिंग की स्थापना करी थी, तब से ये पांडेश्वरनाथ जी महाराज इनका नाम पड़ा।
ये जो मंदिर मेरे पीछे देख रहे हो ये बिल्कुल अभी बना है, नया नया। ये बिल्कुल सामने जो है शंकर जी हैं। जब कोई प्रोग्राम होता है जैसे शिवरात्रि, तो यहाँ पे मेरा ब्लॉग पड़ा है, देख लेना। पैर रखने की जगह नहीं होती है इतने बड़े प्रांगण में। जय हो भोले बाबा। ये वृक्ष देखिए कितना विशाल है। ये जो पंडावाक का है वो मेन गर्भगृह है, और पीछे ये द्वादश ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए हैं इस मंदिर में, जो कि देखने को बनते हैं। ये देखिए भव्यता देखिए मंदिर की, बहुत ही, जो ज्योतिर्लिंग नहीं कर सकते हैं उनके लिए ज्योतिर्लिंग यहीं पे स्थापित किए गए हैं। इसमें तो आपके मेन पांडेश्वरनाथ जी महाराज हैं, और इसमें जो है आपके द्वादश ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए हैं। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर अच्छी लगी है तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और भाई सपोर्ट करो अपने भाई के चैनल को। और इस समय जो ओमिक्रोन नाम का नया वायरस आया है तो उससे बच के रहो, वायरस भैया कभी भी हावी हो सकता है। मास्क लगाए रहो, और जितनी भी फ्रीडम हमको इस समय मिली है ना, इसका मिसयूज ना करो। मास्क लगाए रहो, हाथ सैनिटाइज करो, जो भी पुराने नियम धर्म करते थे उन सबको याद रखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई शेयर तो कर दिया करो यार।